प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं, तो यह जो सामाजिक संरचना है, इसका कैसे उद्भव होता है और कैसे उसका उद्विकास हुआ है, इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो विषय है वह है सामाजिक संरचना का उद्भव एवं उद्विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इस विषय के अंतर्गत हम सामाजिक संरचना का अर्थ समझेंगे और उसके साथ उद्विकास किसे कहते हैं, और फिर इन दोनों को हम जोड़कर देखेंगे कि कैसे सामाजिक संरचना का उद्विकास हुआ है। जब हम सामाजिक संरचना और उद्विकास की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना का अर्थ और उसकी विशेषताएं, उद्विकास और फिर संरचना और उद्विकास दोनों के संबंध की बात करते हुए हम इसको सारांश के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम संरचना और प्रकार्य की बात करते हैं तो संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र और फिर साथ में मानव शास्त्र में भी दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन्हें समझे बिना हम ना तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संरचना एवं प्रकार्य की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। यानी जब कभी हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की विषय वस्तु की बात करते हैं तो हमारा ध्यान दो मुख्य अवधारणाओं पर जाता है, उसमें एक संरचना जिसे हम बाहरी आकृति कहते हैं, यानी समाज की बाहरी आकृति, बाहरी ढांचा, बाहरी बनावट, और उसके साथ उस समाज के अंदर जो कार्य है जिसे हम प्रकार्य या फंक्शन कहते हैं, इसकी चर्चा। इन दोनों को मिलाकर जब हम बात करते हैं तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत या उपागम या विचार या विचारधारा की बात करते हैं। और जब हम समाज में संरचना और प्रकार्य की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो विचार दिया वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में कहा कि किस प्रकार से संरचना का उद्विकास हुआ है। तो जो उद्विकास की बात चार्ल्स डार्विन ने की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में, उसी उद्विकास शब्द के आगे शब्द जोड़ दिया सामाजिक और बन गया सामाजिक उद्विकास। इस सामाजिक उद्विकास के साथ उसने सामाजिक संरचना को जोड़कर बताया कि किस तरह से समाज में संरचना का विकास हुआ है। दुर्खीम ने भी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स तथा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन अवधारणाओं पर विचार किया। इसके पश्चात अनेक मानव शास्त्रियों जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मैनहिम, जॉनसन, मैकाइवर, पेरेटो, किंग्सले डेविस तथा एम जे लेवी आदि ने भी इनकी विस्तृत व्याख्या की। यानी हर्बर्ट स्पेंसर के बाद एक लाइन लग गई अनेक विद्वानों की, जिन्होंने किसी न किसी रूप में संरचना और प्रकार्य को अपना विषय बनाया और इस पर विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत उनकी विवेचना की। सामाजिक संरचना की जब बात करते हैं तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य समाज में सामाजिक संबंधों के प्रतिमान से है। इस तरह की संरचना समाज के सदस्यों के बीच अंतरक्रिया को नियंत्रित करती है, सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक मानदंडों के भीतर दिशा निर्देश प्रदान करती है। आमतौर पर सामाजिक संरचना सामाजिक स्थिरता को बनाए रखती है। यानी सामाजिक संरचना, हर समाज की अपनी एक संरचना होती है, उस संरचना के अनेक तत्व होते हैं, उन तत्वों का अपना अपना निश्चित और निर्धारित स्थान होता है। और जब संरचना के विभिन्न अंग, विभिन्न तत्व या विभिन्न इकाइयां अपने अपने पूर्व निश्चित स्थान को ग्रहण करते हुए एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध बनाकर एक आकृति का निर्माण करते हैं, उस आकृति को ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और जो इकाइयां संरचना के निर्माण में अपना योगदान देती है वो किसी न किसी कार्य से जुड़ी हुई है, अर्थात हर तत्व का, हर इकाई का, हर अंग का एक निश्चित
और पूर्व निर्धारित कार्य है और वह उस कार्य को करते हुए सामाजिक संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए हर समाज की जो संरचना है उसमें स्थायित्व का भी गुण है और वह स्थिरता लिए हुए है। हालांकि जब सामाजिक संरचना और सामाजिक मूल्य असंगत हो जाते हैं तो संरचना को समाज में जीवित रहने और स्वस्थ विकास जारी रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन को गले लगाना चाहिए। जबकि विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों ने सामाजिक संरचना के विकास और रखरखाव का वर्णन करने की मांग की, एक शांतिपूर्ण विश्व समाज के विकास के लिए संरचना और परिवर्तन के बीच संबंध को समझना आवश्यक है। यानी संरचना की जब बात करते हैं तो समय के साथ साथ, स्थान के साथ साथ या काल के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी आता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन सार्वभौमिक है, परिवर्तन अवश्यंभावी है। इसलिए समाज भी उससे अछूता नहीं है, और जब समाज में परिवर्तन आता है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। इसलिए परिवर्तन को और सामाजिक संरचना, इन दोनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है, और अगर हम तालमेल बना रखेंगे या बनाए रख सकेंगे तो समाज की संरचना व्यक्ति के लक्ष्यों को पूर्ण करने में, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगी। जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो इसके अर्थ पर जाएं तो प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। शरीर की संरचना हाथ, पैर, नाक, आँख, कान इत्यादि कई अंगों से मिलकर बनी होती है। यह सभी अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर भी हैं और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए भी हैं। जब कभी हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हम इसको शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि संरचना के विभिन्न अंग होते हैं जिन्हें हम इकाइयाँ कहते हैं या तत्व कहते हैं। उसी प्रकार मानव शरीर भी अपने आप में अखंड नहीं है, ये अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, और ये सारे खंड ढेर मात्र नहीं है। यानी एक जगह इकट्ठा करके रख दें उन अंगों को और हम फिर कहें ये मानव शरीर है तो ये मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर तब बनेगा जब प्रत्येक अंग अपने अपने निश्चित और निर्धारित स्थान को ग्रहण किए हुए, हाथ हाथ की जगह हो, पैर पैर की जगह हो, आँख आँख की जगह हो, तो एक निश्चित प्रतिमान में निर्माण होता है बाहरी ढांचे का, उसी ढांचे को हम कहते हैं ये मानव शरीर है। उसी प्रकार सामाजिक संरचना के भी विभिन्न अंग अपने अपने निश्चित और निर्धारित स्थान को ग्रहण किए हुए हों और उससे एक आकृति बनती है, उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना में चार विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। उदाहरण के लिए मकान की संरचना ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि कई इकाइयों से बनी होती है। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। जैसे ईंट, चूना, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से जमाने पर ही मकान की संरचना बनती है। केवल ईंट, चूना व पत्थर के ढेर मात्र से मकान की संरचना नहीं बनती। इसी प्रकार तीसरी जो बात है वह यह इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। यदि उनमें स्थायित्व ना हो तो संरचना बनती बिगड़ती रहेंगी। चौथा, संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, ना कि उनकी आंतरिक रचना से। शरीर और मकान की संरचना से हमें इनकी बाहरी आकृति दिखाई देती है, आंतरिक नहीं। जिस प्रकार किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। यह समाज की संरचना भी अनेक छोटे छोटे खंडों, इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनती है, जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती हैं। यह सभी इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने अपने निश्चित एवं निर्धारित स्थान को ग्रहण करते हुए अपने निश्चित प्रतिमान में बाहरी आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। यानी समाज भी अखंड नहीं है, समाज भी छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनता है। ये खंड क्या है? ये सामाजिक संबंध है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, धार्मिक समूह है, आर्थिक समूह है, राजनीतिक समूह है। इन सब अंगों से मिलकर संरचना बनती है, लेकिन इनका एकत्रीकरण संरचना नहीं है।
प्रत्येक अंग अपना अपना निश्चित और निर्धारित स्थान ग्रहण किए हुए हो और एक अंग दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक संबंधों से जुड़ा हुआ हो, तभी एक आकृति बनती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। कार्ल मैनिम के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। इसी प्रकार SF नाडेल ने भी संरचना शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इसे एक व्यवस्थित समग्र के रूप अंग के रूप में जोड़कर देखा है जिसमें उस व्यवस्था के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनके अनुसार समाज में 3 तत्व सदैव मौजूद रहते हैं, उसमें मानव समूह, संस्थात्मक प्रतिमान जिसके कारण किसी समूह के सदस्य एक दूसरे से अंतर संबंध के कारण संपर्क में आते हैं, और तीसरा इन अंतर संबंधों का संस्थात्मक स्वरूप, यानी मनुष्य है, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ण करने के लिए बहुत सारे संबंध हैं, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में संबंध है, इन सब से मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी मनुष्य और उसके जितने विकसित किए हुए संस्थाएं या समूह हैं उनके बीच सकारात्मक और प्रकार्यात्मक संबंधों से जो ढांचा बनता है पार्सन्स कहते हैं वही सामाजिक संरचना है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना की इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताओं पर भी ध्यान दे सकते हैं। वे हैं सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है, यानी बाहरी आकृति है, बाहरी ढांचा है, बाहरी बनावट है। सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, ये अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनती है। सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है, यानी विभिन्न इकाइयां मिलकर एक दूसरे से संबंध बनाती, अपने अपने स्थान को ग्रहण करके उनके बीच प्रकार्यात्मक संबंध होता है जिसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, उसी से संरचना का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, एक सीक्वेंस होता है, जैसे हाथ हाथ की जगह है, पैर पैर की जगह है, उसी प्रकार समाज के अंग में भी एक निश्चित क्रमबद्धता होती है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी है उसमें। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, जिसको देख नहीं सकते वो अमूर्त कहलाती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है, जैसे मानव शरीर है तो उसमें हाथ है, तो हाथ भी अनेक छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनता है जिनको हम सेल्स कहते हैं। उन सेल से एक हाथ बनता है, दूसरे सेल से फिर दूसरा हाथ, इसी तरह अलग अलग अंगों के भी छोटे छोटे तत्व होते हैं, उसी से अलग अलग अंग और अलग अलग अंग मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार की संरचना बनती है क्योंकि वहाँ मनुष्य की आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न हैं, मनुष्य के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, इसलिए संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। सामाजिक संरचना प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है, यानी प्रत्येक अंग अपने अपने निश्चित और निर्धारित स्थान को ग्रहण किए हुए होता है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं, यानी संरचना विघटित भी होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड भी होती है। कई बार कोई अंग अपना काम नहीं करता है, वो नकारात्मक काम करने लग जाए या अकार्य करने लग जाए तो उसका प्रभाव दूसरी इकाइयों पर पड़ता है और दूसरी इकाई भी अपना काम नहीं कर पाती, ऐसी स्थिति में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। माइक्रोस्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म संरचना और मैक्रोस्ट्रक्चर दीर्घ संरचना दोनों एक सामाजिक संरचना के भीतर पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म संरचना सामाजिक जीवन के मूल तत्वों के बीच संबंधों का प्रतिमान जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और उनकी स्वयं की कोई सामाजिक संरचना नहीं, यानी व्यक्तियों से बना समूहों में व्यक्तियों के बीच संबंधों का प्रतिमान जहां व्यक्तियों के पास कोई सामाजिक संरचना नहीं है। और मैक्रो संरचना इस प्रकार एक दूसरी स्तरीय संरचना है, वस्तुओं के बीच संबंधों का एक प्रतिमान जिसकी अपनी संरचना है, जैसे कि राजनीतिक दलों के बीच संबंध, क्योंकि राजनीतिक दलों का अपना सामाजिक ढांचा है। मैक्रो एंड माइक्रो ये दो प्रकार की संरचना है, तो व्यक्ति जो है वो माइक्रो है और समाज जो है वो मैक्रो है, इन दोनों के बीच संबंध है क्योंकि व्यक्ति ही संरचना का निर्माण करता है, लेकिन उसकी अपनी संरचना
नहीं है समाज के अंतर्गत, समाज की संरचना है व्यक्ति के साथ, इसलिए इन दोनों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर। इसके साथ दूसरा जो शब्द है वो उद्विकास, उद्विकास जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, ई वॉल्यूशन, ई मीन्स टू कम आउट, और वॉल्यूशन बना है वॉल्यूवर्स मतलब बढ़ना, बाहर निकलना और बढ़ने को हम इवोल्यूशन कहते हैं। सामाजिक संरचना के उद्विकास को समझने के लिए उद्विकास शब्द की व्याख्या आवश्यक है। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणी शास्त्र से ग्रहण की गई। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता, समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। डार्विन के विचारों से ही प्रभावित होकर समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर व मॉर्गन जैसे समाजशास्त्रियों ने उद्विकास के विचारों को समाज व संस्कृति पर लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की तरह उद्विकास हुआ है। तो मूल रूप से उद्विकास शब्द समाजशास्त्र का या मानव शास्त्र का नहीं है, यह बायोलॉजी का शब्द है जो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ, अपनी पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में समझाने का प्रयास कर उसी शब्द को लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में जो बात कही है कि उद्विकास के आगे समाज का शब्द जोड़ दें सामाजिक, और वो बन गया सामाजिक उद्विकास, और कहा जिस प्रकार से जीवों का उद्विकास होता है उसी प्रकार समाज का भी उद्विकास होता है। उद्विकास का तात्पर्य किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक कोष्ठ का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के प्रकार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। बहुत सरल भाषा में अगर हम कहें उद्विकास तो सीधा कहेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन। कोई भी वस्तु प्रारंभ में सरल रूप लिए हुए हो, और सरल का मतलब ऊपरी तौर पर देखकर जिसको हम समझ सकें, जान सकें, धीरे धीरे परिवर्तन के साथ साथ उसमें जटिलता आती जाए, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरलता से जटिलता की ओर अगर कोई परिवर्तन होता है, जैसे मानव भ्रूण जो प्रारंभिक मांस का टुकड़ा है जिसे हम किसी भी रूप में देखें वो एक समान दिखता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वो एक शिशु के रूप में परिवर्तित होता है, उसका सर, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैर, वो सब अलग अलग ढांचा लिए हुए होते हैं, अलग अलग कार्य है। तो जो सरल रूप है वह जटिल रूप, एक बीज को जमीन में डालें सरल रूप है, लेकिन वही बीज जमीन में धीरे धीरे अंकुर लेकर वृक्ष का रूप ले ले जिसमें टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, एक जटिल रूप है। तो सरलता से जटिलता की ओर होने वाले क्रमिक विकास को हम उद्विकास कहते हैं। उद्विकास को हम एक सूत्र के द्वारा इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, उद्विकास निरंतर परिवर्तन, एक निश्चित दिशा, गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता, यानी उसके अंग अलग अलग हो जाएंगे, उनके कार्य अलग अलग हो जाएंगे, उसकी बनावट अलग अलग हो जाएगी, हम उसे उद्विकास कहेंगे। उद्विकास को समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में स्पष्ट करते हुए स्पेंसर लिखते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। यानी कोई भी वस्तु पहले अनिश्चित और असंबद्ध हो, उसमें समानता हो, धीरे धीरे वह निश्चित, संबद्ध और भिन्नता को ग्रहण कर ले तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। इस तरह उद्विकास किसी भी वस्तु में परिवर्तन जो कि समानता से भिन्नता की ओर होता है, इसमें वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है, या हम यह कहें कि सरलता से जटिलता की ओर होने वाले परिवर्तन को उद्विकास, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन इज नोन एज इवोल्यूशन। मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। मैकाइवर ने उद्विकास की आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन का, यानी उद्विकास कैसे हो तो उसके अंदर जो शक्ति है उसी से उसका विकास होता है, अगर वो शक्ति ना हो तो उद्विकास नहीं हो सकता। ऑगबर्न और निमकॉफ ने भी उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है।
इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। यानी अंदर जो स्टोरेज है उसमें एक पावर है, एक शक्ति है, उसी से धीरे धीरे वो बाहर निकलता है अपने आवरण से और वृद्धि की ओर प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं जो बीज सरल रूप लिए हुए है धीरे धीरे उसमें जटिलता आ जाती है, हम कहेंगे यही उद्विकास है। उद्विकास की विशेषताओं की बात करें तो उद्विकास की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। उद्विकास हमेशा सरलता से जटिलता की ओर होता है। उद्विकास की गति निरंतर व धीमी होती है। उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है एवं सर्वकालीन प्रक्रिया भी है, अर्थात सभी कालों में और सभी स्थानों पर पाई जाने वाली प्रक्रिया है, अवश्यंभावी है। विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। एक दिशा होती है, चाहे वो सरल सीधी रेखा में हो, चाहे बहुरेखा में हो, चाहे वो पैराबोलिक कर्व में हो। उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। उसके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति से ही उद्विकास होता है। उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है, न कि संख्यात्मक। यानी जो पहला रूप है उसमें गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो पहले बीज है, धीरे धीरे पत्तियाँ, शाखाएँ, टहनी इत्यादि में परिवर्तन, तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है, यानी वैल्यू फ्री कंसेप्ट है। ये नहीं कहेंगे उद्विकास बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ। उद्विकास उद्विकास है, उसके साथ कोई मूल्य जुड़ा हुआ नहीं है। उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन होता है। उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे हम कहते हैं बालक पैदा हुआ, हम कहेंगे शिशु, फिर हम कहेंगे बालक, बालक के बाद किशोर, किशोर के बाद युवा, युवा के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध, वृद्ध के बाद, एक निश्चित दिशा है। इसमें कोई उलटफेर नहीं होगा चरणों में। ऐसा नहीं कि पहले बालक के बाद वृद्ध हो गया, वृद्ध के बाद युवा हो गया। नहीं, पहले शिशु है तो फिर बालक, बालक के बाद किशोर, किशोर के बाद युवा, ये क्रम निश्चित है और उसी में ही उद्विकास होगा। डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। यानी शब्द को समाजशास्त्र में काम में लिया सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता, सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता व भिन्नता की ओर। यानी समाज में की बात करें तो ठीक उसी प्रकार उद्विकास हो जैसे जीवों का हुआ है। समाज प्रारंभिक रूप में बहुत सरल था, संबंध बहुत सरल थे, धीरे धीरे समाज का विकास होता गया और उसमें भिन्नता आती गई, उसमें जटिलता आती गई, तो समानता से भिन्नता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, असंबद्ध से संबद्धता की ओर जो परिवर्तन हुआ है, स्पेंसर कहते हैं उसे हम सामाजिक उद्विकास कहते हैं। प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे और उनके कार्य घुले मुले हुए थे। यह स्थिति अनिश्चितता की थी, किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ और समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं अलग अलग दिखाई देने लगी। उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ और विशेषीकरण विकसित हुआ। उदाहरण के लिए प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन व संस्था से जुड़े हुए थे, परंतु धीरे धीरे इन कार्यों को करने के लिए अलग अलग संगठन व संस्थाएं बनी। इससे समाज में जटिलता भिन्नता में वृद्धि हुई, साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। यानी समाज प्रारंभिक रूप में बहुत सरल था, जहाँ सभी व्यक्ति सब एक जैसा ही काम करते थे, कहीं पर भी श्रम विभाजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, कार्यों का रूप बदलता गया और परिणाम ये हुआ कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के काम करने लगे और उसमें जटिलताएं उत्पन्न होने लगी। तो जो समान समाज था उसमें भिन्नता आ गई, जो सरल समाज था उसमें जटिलता आ गई। हम कहते हैं इसी को सामाजिक उद्विकास कहा जाता है। स्पेंसर कहते हैं कि प्रारंभ में कोई सामाजिक संगठन स्पष्ट नहीं होता, धीरे धीरे उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथाओं में स्थायित्व आ जाने से कानून का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार समूह की सामाजिक संस्था है, प्रारंभ में एक दूसरे से मिली हुई सी लगती है, किंतु कालांतर में एक दूसरे से अलग अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब जब हम कहते हैं उद्विकास और संरचना, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इसी की बात करें तो हम कहते हैं उद्विकासवाद के प्रमुख विचारकों में डार्विन, स्पेंसर, टाइलर, मॉर्गन, हेडन
और ब्रूहल को सम्मिलित करते हैं। डार्विन ने उद्विकासवाद को प्राणियों पर लागू कर उसकी व्याख्या की, जबकि बाकी के सभी समाज वैज्ञानिकों ने समाज और संस्कृति पर लागू कर इसकी व्याख्या की। यहाँ हम उन प्रमुख उद्विकासवादियों का विचारों का उल्लेख करेंगे जिनमें मॉर्गन सबसे प्रमुख हैं। मॉर्गन का मत है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्भव में एक है, अनुभव में एक है और प्रगति में भी एक है। यानी मॉर्गन ने जो कहा है वो समाज और संस्कृति को आधार बनाकर कि समाज में विभिन्न अंग जो हैं, चाहे वो विवाह का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे वो आर्थिक समाज का हो, चाहे वो सभ्यता का हो, उनमें जो विकास हुआ है वो सरलता से धीरे धीरे जटिलता के एक रेखा की तरह हुआ है। पहले एक अवस्था थी, उसके बाद दूसरी अवस्था आई, फिर उसके बाद तीसरी अवस्था आई और उसके बाद जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो चौथी अवस्था। इस तरह से सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन सामाजिक उद्विकास है। मॉर्गन ने जब सामाजिक संरचना के अंतर्गत उद्विकास की बात की तो कहते हैं एक तत्व परिवार और विवाह के उद्भव और विकास को भी समझाने का प्रयास किया और कहा कि परिवार और विवाह 5 स्तरों से गुजरकर विकसित हुए, अर्थात सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए हैं। उनमें पहला है समरक्त विवाह। इस अवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के कोई सामाजिक नियम या प्रतिबंध नहीं थे। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता रखता था, यहाँ तक कि भाई बहनों के बीच भी यौन संबंध हो जाते। दैट वॉज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड आया समूह परिवार। मॉर्गन का कहना है कि ऐसे परिवार जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों के पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। दैट इज द सेकंड स्टेज। थर्ड में सिंडेसमियन फैमिली। इस अवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था, परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। यानी स्त्री तो एक लाता, लेकिन उस परिवार जितनी स्त्रियां थी उन सब के साथ उसके संबंध होते थे। चौथा पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार में पुरुष एक से अधिक स्त्रियाँ रख सकता था, स्त्री की तुलना में उसके अधिकार अधिक थे, लेकिन जिससे विवाह करेगा वो सब उसी एक पुरुष के साथ संबंध रखेंगे, दूसरों के साथ संबंध नहीं होंगे। और उसके बाद एक विवाही परिवार जो आज दिखाई देता है। उद्विकास के क्रम में यह अंतिम स्तर है जो वर्तमान अधिकांश समाजों में प्रचलित है। मैं एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करेगा और उसी से यौन संबंध रखेगा। इसी तरह की बात, यानी विवाह के तरह ही किस तरह से आर्थिक उत्पादन में भी उद्विकास हुआ है, इसी प्रकार आर्थिक संरचना के उद्विकास को भी समझाने में 4 तरह से उसका विभाजन किया। शिकार और भोजन संकलन की अवस्था, दैट वॉज दी फर्स्ट स्टेज, जहाँ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो शिकार करता था या कंदमूल फल फूल, जिसमें सबका काम एक समान था। फिर काम बटा। पशुपालन की अवस्था, अब 3 तरह के काम हो गए, शिकार, भोजन संकलन और पशुपालन। उसके बाद कृषि आ गया, चौथा 4 भाग विभाजित हो गए। उसके बाद औद्योगिक अवस्था आई जिसमें बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस हो गए। इसी तरह टाइलर ने भी धर्म के बारे में कहा, पहले बहुदेववाद था, यानी बहुत सारे देवताओं के ऊपर हम विश्वास करते थे, फिर बहुदेववाद को एक देववाद के रूप में परिभाषित किया गया टाइलर के द्वारा। इन सब बातों को सारांश के रूप में अगर हम कहें तो सामाजिक संरचना में एक संगठन की चर्चा की जाती है, एक समाज में जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यह समूह भिन्न भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित है और समाज के संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर रूपी संगठन में शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना प्रकार्य करते हुए शरीर संगठन को बनाए रखने में योग देते हैं, उसी प्रकार से समाज के अंग या इकाइयां भी समाज में अपना निर्धारित प्रकार्य करते हुए सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। उद्विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो 1859 में प्रकाशित हुई थी मैं कहा कि कोई भी वस्तु प्रारंभ में सरल हो और धीरे धीरे परिवर्तन के साथ वह जटिल रूप ग्रहण कर ले तो उसे उद्विकास कहते हैं। इसी उद्विकास शब्द को समाजशास्त्र में स्पेंसर ने काम में लिया और उसे सामाजिक उद्विकास कहा। स्पेंसर कहते हैं कि समाज की संरचना का उद्विकास होता है और वो विभिन्न स्तरों से गुजरकर अंतिम रूप को ग्रहण करती है।
प्रारंभ में समाज और उसकी संस्कृति सरल रूप लिए हुए होती है, परंतु धीरे धीरे वह जटिल रूप ग्रहण कर लेती है, जिसे स्पेंसर सामाजिक उद्विकास कहते हैं। इसे समझाने के लिए टाइलर ने धर्म तथा मॉर्गन ने विवाह और परिवार के उदाहरण से सामाजिक संरचना के उद्विकास को समझाया है। यानी कहते हैं कि समाज की संरचना पहले सरल रूप लिए हुए थी, जिसको ऊपरी तौर पर देखने पर एक जैसी दिखाई देती, समानता थी, उसमें कोई भिन्नता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे संरचना का उद्विकास हुआ और वह सरलता से भिन्नता की ओर अग्रसर हुई, जिसे हम सामाजिक संरचना का उद्भव और उद्विकास कहते हैं। तो इस तरह से संरचना और उद्विकास दोनों को हम एक साथ जोड़कर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम संरचना और उद्विकास दोनों को समझ सकते हैं।